अगर आप भी हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने की सोच रहे हो तो भाई ये वीडियो आप ही के लिए है, तो पूरा देखना वीडियो एंड तक। सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने का सिर्फ एक ही फायदा है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। वो सिर्फ यही है कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, कर्ली हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, वेवी हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे बस, और आपका लुक जो है वो थोड़ा एनहांस होकर दिखाई देगा। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स, इसकी जो हार्मफुलनेस है हेयर स्ट्रेटनिंग का, वो आपको पता होना जरूरी है। बिकॉज आपको पता होगा तो आपके हिसाब से आपका हेयर जो है स्ट्रेट करवाना या नहीं वो डिसाइड कर पाऊंगे। सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, दो टाइप के हेयर स्ट्रेटनिंग होते हैं, एक केमिकल यूज से और एक हीट एप्लीकेशन से। केमिकल एप्लीकेशन तो आगे बात करते हैं, और हीट एप्लीकेशन में आपको जो है हीट का जो है आपके बालों पर हीट अप्लाई किया जाता है, वो जो मशीन से वो उससे आपके बाल जो है स्ट्रेट किए जाते। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसीजर आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। इन किस वे में हार्मफुल होता है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही एडवांटेज है हेयर स्ट्रेटनिंग का, वो है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आपको लगता है आप अच्छे दिख रहे हो। भले ही आप अच्छे दिख रहे होगे, आपके हेयर जो है वो स्ट्रेट हो चुके होंगे, पर आपके अंदर जो हेयर के अंदर जो हो रहा है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है हेयर स्ट्रेटनिंग का, वो है हीट एप्लीकेशन करने के बाद या केमिकल यूज करने के बाद जो हेयर फॉल होता है उसका। तो आपको अगर पहले से हेयर लॉस या हेयर फॉल की दिक्कत है तो प्लीज आप ये जो प्रोसीजर है हेयर स्ट्रेटनिंग की वो अवॉइड कीजिए। बिकॉज हीट एप्लीकेशन की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, जल्दी फॉल आउट हो जाते हैं, हेयर ब्रिटल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम आती है, और आपके हेयर फॉल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपका जो स्कार्प जो रूट होता है वो डैमेज हो जाता है हीट एप्लीकेशन या केमिकल एप्लीकेशन की वजह से, और ये जो है वो लीड करते हैं ड्राइनेस हो जाता है आपके स्कार्प पर या फिर आपके ब्रिटल हेयर हो जाते हैं, और ये मैक्सिमम आपके हेयर लॉस बढ़ा देता है। अभी जो दूसरा प्रोसीजर है वो केमिकल यूज करके होता है। जो केमिकल है वो भी आपके हेयर लॉस पे जो है वो डायरेक्ट असर करता है। जो आप अगर फॉर एग्जांपल आप अगर पार्लर में जा रहे हो, सलून में जा रहे हो, आपको हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहे हो, तो मेक श्योर जो सलून वाला है वो कौन सा केमिकल, कौन सा प्रोडक्ट आप पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही आप हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं जा रहे हो, आप कोई भी दूसरे केराटिन या कोई भी दूसरे प्रोसीजर के लिए जा रहे हो, लेकिन ये देखना इस बात का पक्का करना कि वो कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सा ब्रांड आप पर इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। बिकॉज पैसे बचाने के चक्कर में कई सारे सलून वाले जो है वो आप पर जो है वो बहुत ही वर्स्ट ब्रांड आप कह सकते हो, केमिकल भरे हुए ब्रांड का आप जो है यूज कर देते हैं। उसकी वजह से उनका तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए वही ब्रांड आप पर अप्लाई हो जो जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, या फिर जो डर्मेटोलॉजिस्ट से अप्रूव्ड हो, या फिर जो जिसका क्वालिटी अच्छा हो, तो वही प्रोडक्ट्स आप अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। और जो काफी ज्यादा केसेस सामने आते हैं वो है इरिटेशंस के, वो है या एलर्जिक रिएक्शंस के, जो केमिकल्स यूज होते हैं वो आंखों में या फिर स्काल्प पर जो है एलर्जिक हो जाते हैं कुछ कुछ लोगों को, तो वो पहले आपको पैच टेस्ट करके देख लेना चाहिए, उसके बाद ही वो केमिकल आपके सर पर या अप्लाई करवाना चाहिए। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप एलर्जिक नहीं है उस सारे प्रोडक्ट्स से। जो दूसरा पॉइंट, जो आगे का पॉइंट है वो है इनपर्मनेंस, मतलब कि परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग आती है जो इससे ज्यादा खतरनाक है, उसके तरफ नहीं जाने वाला। ये हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट नहीं होता है और आपको कुछ लॉन्ग लास्ट नहीं दे पाता है, मतलब कि कुछ दिन तक होगा। फ्रीक्वेंट वॉशिंग पर आपके जो केमिकल है, जो हेयर स्ट्रेटनिंग का जो असर है वो निकल जाता है, स्ट्रिप आउट हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप धूप में जाते हो सन रेज की वजह से आपका जो केमिकल जो हेयर स्ट्रेटनिंग का जो इफेक्ट होता है आपके बालों में वो चला जाता है, और आपके बाल पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ केसेस में कुछ लोग घर पर मशीन लेकर हेयर स्ट्रेट करते हैं, जो काफी ज्यादा वर्स्ट केस है, जो डेली आपके अपने बाल जो है हेयर स्ट्रेट करवाते हैं वो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस है, उनको जो है ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। ओकेशनली मतलब कि कुछ इवेंट है या फिर कुछ फेस्टिवल है तभी करवा रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन डेली, वीक में एक बार, महीने में एक बार, ये सारी चीजें बंद कर दो। बिकॉज ये आपके बालों को ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस डैमेज कर रहा है अंदर से, रूट्स आपके खराब कर रहा है, और हेयर लॉस तक या आप तो आपको लेकर जा सकता है। जस्ट मेक श्योर ये वीडियो देखने के आपको पता चल चुका होगा कि क्या नुकसान है हेयर स्ट्रेटनिंग के। बस कुछ टाइम तक अच्छे दिखते हो, उसके जो अंदर आपके बालों पर चल रहा है, रूट्स में आपके जो हार्मफुल जो चीजें हो रही है वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। कुछ टाइम का ही ये प्रोसीजर होता है और कुछ टाइम तक ही लास्ट कर पाता है, उसके बाद फिर आपको आदत पड़ जाएंगी आपके हेयर स्ट्रेट। एक बार करवाओ फिर दूसरी बार आदत पड़ जाती है, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी होगी, और जितना हो सके ऑयलिंग कीजिए, जितना हो सके केमिकल फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, और जितना हो सके नेचुरल रखिए,
तो आपके लॉन्ग लास्ट है रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आपके जो पहचान में जो भी है दोस्त वो ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजना। और देखते रहिए एनवीडी लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। आई एम नावेद, एके एनवीडी। वी विल मीट सोन।